अगर मैं आपसे कहूँ कि यह टेस्टी नाश्ता मैंने बिना तले हुए बनाया है तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना, बहुत ही ज़्यादा यमी बना है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है और अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और 2 टेबल स्पून घी डाला है। आप चाहें तो सिर्फ ऑयल या घी से भी इससे मोइन कर सकते हैं। इसके बाद इस आटे में इस घी और ऑयल को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। इसमें हम कुछ भी दही, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डालेंगे, बस घी और तेल के साथ मैंने इसे मोइन कर दिया और हल्का गुनगुना पानी के साथ मैंने इस आटे को गूंथा है। इस आटे को हमें बहुत कड़ा नहीं गूंथना है, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं वैसा सॉफ्ट आटा आपको गूंथ कर तैयार करना है। अच्छे से इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए सॉफ्ट आटा हमारा गूंथ चुका है, अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। इसे कवर कर दिया है मैंने और चलिए अब मसाले तैयार कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल में जीरा को तड़का लिया है, उसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम इस तेल में थोड़ी देर तक भुनेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएं। ये देखिए लो हीट पे हमें इन मसालों को भुनना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। अच्छे से इन सभी मसालों को थोड़ी देर भुनने के बाद मैंने जो ये आलू मैश कर लिया था उसे इसमें डाल देंगे। सभी चीज़ें हमारे अच्छे से भून चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। ये देखिए अच्छे से चलाते हुए इसे मैंने भून लिया है, अब ये तैयार है। अब हम यहाँ पर धनिया की पत्तियों को कट करके डाल देंगे और उसे इनके साथ मैश कर देंगे। स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छे से धनिया की पत्तियों को मैंने कर दिया है, अब इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। यह आलू हमारे ठंडे हो जाएंगे तब हम इसे आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आटे को थोड़ा फिर से हम मसल लेंगे जिससे कि ये अच्छे से मुलायम हो जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसे मसल लिया है और ये यहाँ हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। इसे फिर से मैंने एक बार मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब इन आटों से हम लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। एक लोई मैंने ली है और इसे मैदे में डस्ट कर लिया है। ये बनाते समय आप आटे की जगह मैदे का यूज करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इस लोई से हम पतली सी रोटी बेलेंगे, जितनी पतली आप इसे बना सकते हैं उसे बनाइए। अब ये जो स्टफिंग हमने तैयार की थी उसे बस बिल्कुल ऐसे मिडिल में हमें रखना है, पूरी रोटी पर हमें नहीं फैलाना है, लंबे ऐसे आकार में हम इसे रख देंगे अच्छे से हल्का प्रेस करते हुए ताकि ये आटे में चिपक जाए। और अब हमें क्या करना है कि ऊपर से हमने इसे हल्के से ऐसे फोल्ड कर दिया है जिससे कि ये स्टफिंग हमारी बाहर नहीं निकलेगी, और अब साइड से भी हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर हल्का सा पानी हम लगा देंगे जिससे कि ये ऊपर वाली जो ये लेयर है वो भी उसमें अच्छे से चिपक जाए। देखिए अच्छे से प्रेस करते हुए मैंने इसे चिपका दिया है और अब इसे यहाँ से ऐसे राउंड मोड़ेंगे, हम ऐसे मोड़ते हुए किनारों तक ले जाएंगे। मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ये देखिए पूरा अच्छे से रोल हो गया है हमारा। अब इसके बीच में हम ऐसे उंगली से प्रेस करेंगे और इसे हाफ ऐसे यहाँ से मोड़ लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है, झटपट हो जाता है। बीच से चाकू से हाफ कट करेंगे, पूरा हमें नहीं कट करना है, आधा ही कट करना है। और कट करने के बाद जब आप इसे खोलेंगे ना तो देखिए ये ऐसे शेप में आ जाएगा। एक बार जब आप बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाएगा। अच्छे से इसे प्रेस करते हुए ये देखिए दिख रही है ना अलग अलग लेयर बीच की स्टफिंग की, और ये हल्का सा मैदा हमने यहाँ पर डस्ट कर दिया है ताकि ये बेलन में चिपके नहीं। और ऊपर से हल्के हाथों से हम इसे प्रेस करेंगे, ज़्यादा हम नहीं प्रेस करेंगे नहीं तो ये टूट जाएंगे। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पर वाइट वाला ये तेल लगा दिया है जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। और थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ भी यहाँ पर डाल दी हैं। अब फिर से बेलन लिया है और बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये तिल और धनिया की पत्तियाँ इसमें अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करते हुए ना निकले। ये देखिए एक हमारा तैयार हो चुका है।
दूसरा भी एक जल्दी से तैयार कर लेते हैं सेम इसी प्रोसेस से। रोटियां यहाँ पर मैंने बेल ली है, बीच में स्टफिंग डाल दी है ऐसे लंबाई में। हाथों से दबाते हुए इस स्टफिंग को ऐसे रख देंगे हम साइड से। अब ऐसे फोल्ड कर देंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। चारों तरफ से हमने इसे ऐसे सील कर दिया है, पानी थोड़ा लगा दिया, ऐसे सील कर दिया। अभी इसे हल्का मैंने पलट दिया है और यहाँ से इसे ऐसे मोड़ते हुए हम किनारों तक ले जाएंगे। बीच से ऐसे उंगली से प्रेस किया और ये ऐसे मुड़ जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर बीच से आधी दूरी तक ही हमें चाकू से इसे कट करना है। ये देखिए पूरा नहीं काटेंगे, आधी दूरी तक काटा है और ये इसे ऐसे फैला लिया है ना। बहुत सिंपल, बहुत झटपट से बन जाता है। आराम से हल्का इसे आप बेल लीजिए। ऊपर से तिल फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया है, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ और फिर से हल्का बेलन चला देंगे जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से इसमें चिपक जाए। बस इतना ही करना है, हमें रेडी है। अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एयर फ्रायर को 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है 2 मिनट के लिए। फिर से हम यहाँ पर एयर फ्रायर में इसे रख देंगे और 180 डिग्री पर ही इसे हम बेक करेंगे। इसमें बिल्कुल भी हम ऑयल यूज़ नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा और टेस्टी तो यह है ही। ये देखिए बीच में एक बार मैंने इसे खोल लिया और बस हल्का सा बटर लगा दिया है इसी पे। शुरू में मैंने इस पे बटर भी अप्लाई नहीं किया था, यहाँ पे मैंने बटर लगा दिया है। और फिर से इसे बंद करके दोनों तरफ से हम इसे हल्का बटर लगा कर और 180 डिग्री पर अच्छे से पक जाने तक इसे सेक लेंगे। फिर से मैंने यहाँ 4 मिनट का लगा दिया है टाइमर। और ये देखिए बीच में आप एक दो बार इसे ज़रूर चेक करें। ये देखिए पीछे की साइड से भी अच्छा बेक हो गया है और ये आगे की साइड से बन गया ना, बहुत टेस्टी बिना तले हुए। तो अगर बिना तले हुए ये सेम टेस्ट का नाश्ता अगर आपको मिले तो आप इसे बार बार खाना चाहेंगे और अपनी फैमिली को भी खिलाना चाहिए। ये देखिए दोनों तरफ से कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपकी फैमिली में सबको पसंद आएगा। ये देखिए एयर फ्रायर की यही तो खासियत है, बिना तेल के ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार करता है। लग रहे हैं ना बहुत ज़्यादा यम्मी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। Thanks for watching.